सुषमा और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको लगातार हिचकी आ रही हो और पानी पीने के बाद भी हिचकी ना रुक रही हो तो कुछ घरेलू आसान से उपाय अपनाकर आप इससे निजात पा सकते हैं। हिचकी आने का कोई रीजन अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कभी कभी डायफ्राम की मसल्स के अचानक श्रिंक हो जाने पर हिचकी की कंडीशन बन जाती है। तो चलिए जानते हैं कि हिचकी आने पर कौन से उपाय किए जा सकते हैं। एक लंबी सांस ले और उसे कुछ सेकंड के लिए रोक के रखें। जब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में भर जाएगी और डायफ्राम उसे निकालेगा तो हिचकी अपने आप बंद हो जाएगी। हिचकी आने पर तुरंत एक चम्मच चीनी का सेवन करें, इससे थोड़ी ही देर में हिचकी बंद हो जाएगी। हिचकी आने पर एक चम्मच नींबू के रस में एक चम्मच शहद मिलाकर चाटें, इससे हिचकी बंद हो जाएगी। कई बार तीखी चीजें खाने से और खाना जल्दी जल्दी खाने से भी हिचकी आने लगती है, इसलिए खाना धीरे धीरे और चबा चबा कर खाएं। जब भी आपको हिचकी की प्रॉब्लम हो तो एक चम्मच चॉकलेट पाउडर खाएं, इससे हिचकी थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी। थोड़े से नमक को पानी में मिलाकर एक दो घूंट पिए, इससे हिचकी में तुरंत आराम मिलता है। तीन काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी या मिश्री का एक टुकड़ा मुंह में रखकर चबाएं और इसका रस चूसते रहे। आप चाहे तो एक घूंट पानी भी पी सकते हैं, इससे हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। हिचकी आने पर एक चम्मच पीनट बटर या एक टमाटर को दांतों से काट कर खाए, इससे हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। अगर हिचकी बंद ना हो रही हो तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इससे छुटकारा पाने के लिए शक्कर को पुदीने के पत्तों के साथ चबाकर खाएं। हिचकी आने पर आंवले के रस या आंवले को मिश्री के साथ मिलाकर खाने से हिचकी में आराम मिलता है। इसी के साथ हिचकी को रोकने के घरेलू उपायों पे बना हमारा यह स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू।